तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत स्पेशल वीडियो है क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में क्लास नाइन्थ के जितने भी एनुअल एग्ज़ाम हुए हैं 2020 में फरवरी और मार्च के महीने में, ये सभी प्रश्न पत्र मैं आपको एक ही वीडियो में एक एक करके सभी दिखाऊंगा। इससे क्या होगा कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम जानेंगे क्लास नाइन्थ हिंदी के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से आपके हिंदी के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो है वो आए हुए थे। आप देख सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर आया था उसमें क्या है कि खंड क है, यानी कि अपठित अंश होता है जिसमें, यह होता है आपका 10 मार्क्स का। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका अपठित अंश आधा यहाँ पर दिया हुआ है और आधा दिया हुआ है यहाँ पर, और इसी में से जो है वो आपके 10 नंबर के प्रश्न पूछेंगे, जिसमें से 2-2 मार्क्स के ये 4 प्रश्न हैं और 1-1 मार्क्स के ये 2 प्रश्न हैं। अब चलिए बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। इस सेक्शन में क्या है, इसमें आपका व्यावहारिक व्याकरण होता है, यानी कि व्याकरण से संबंधित सभी प्रश्न आपको इसी में मिलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए, ये है आपका 4 मार्क्स का। पहला है प्रहार, फिर है उप, फिर है मिलावट और चौथा है आवा। तो इन सभी को निर्देश अनुसार यानी कि प्रत्यय, उपसर्ग, इन सभी के आधार पर आपको इनका आंसर बताना है। इसका आंसर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, वो वीडियो हमारी जरूर देखिएगा। फिर आता है निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समाज का नाम लिखिए, यानी कि इन्हें हमें विग्रह भी करना है, जैसे मंचा है, प्रतिदिन है, नीला है, जुअम्बर, अन्न और जल। तो इनका हमें क्या करना है, इनका समाज का नाम लिखना है और इनके समाज के भेद का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 2 पार्ट हैं। एक है अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को पहचान कर उनके भेद लिखिए, जैसे फल फ्रिज में रख दो, मैं यह कार्य नहीं कर सकता। खै है निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, यदि उसने मेहनत की होती तो वह अवश्य होता है। इसको प्रश्नवाचक में बदलना है, इसको विधानवाचक में, यह सब मैं आपको बदल के बताऊँगा लेकिन अगली वीडियो में, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित काव्यांशों में प्रयुक्त अलंकारों की पहचान कीजिए, उनके नाम लिखिए, यानी कि जो 5 काव्यांश दिए हुए हैं, ठीक है, यानी कि कविता की तरह दिए हुए हैं, तो आपको इसमें से अलंकारों की पहचान करके उनका नाम बताना है, ठीक है। बहुत ईजी है, अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है, इसमें आपका पाठ्य पुस्तक व पूरक पुस्तक यानी कि जो किताबें होती हैं उनसे लिए जाते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, गद्यांश दिया हुआ है, देख सकते हैं 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें गद्यांश दिया हुआ है और इसी गद्यांश के आधार पे आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो गद्यांश आपका यहाँ पे ख़त्म होता है और इसी के आधार पे आपसे 2-2 नंबर के 3 प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है कि लेखिका के बारे में उनके उनके बाबा का क्या विचार था। खै है लेखिका उर्दू फारसी क्यों पढ़ पाई, क्यों नहीं पढ़ पाई। गै है बाद में लेखिका को कहाँ भर्ती कराया गया, वहाँ का वातावरण कैसा था, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, अब इसमें क्या है, इसमें आपको निम्नलिखित प्रश्नों में से कितनी 4 के प्रश्न देने हैं, प्रश्नों के आंसर देने हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 पूछे गए हैं तो 5 में से आपको कोई भी 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं। जैसे पहला है लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है या भूल जाते हो, हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री की प्रतिदिन प्रति प्रेमचंद का जो दृष्टिकोण है, यानी कि स्त्री के प्रति प्रेमचंद का जो दृष्टिकोण है उससे स्पष्ट करना है। खै है यात्रा वृत्तांत लहासा की ओर के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। गै है सालिम अली के व्यक्तित्व को सांवले सपनों की याद पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। गै है अंग्रेजी सेना के बिठूर के राजमहल को तोड़ने का निश्चय क्यों किया, नाना साहब की पुत्री देवी मैना गाय के पाठ के आधार पर आपको बताना है। और लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 का, परसाई जी द्वारा प्रेमचंद के नाम के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर बताइए। अब उसके बाद है काव्यांश के आधार पर हमसे प्रश्न पूछे गए, ये 6 नंबर के हैं आपके, ठीक है। तो काव्यांश जो है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ से शुरू होता है आपका और ख़त्म होता है इधर नीचे, मैं दिखाऊँ यहाँ पर, और इसी के आधार पर आपसे 2-2 नंबर के 2 प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है माने कवि से क्या कहा था, इसके साथ क्या हिदायत दी। खा है उस समय कवि की अवस्था कितनी थी और यमराज का पता पूछने पर उसे क्या बताया गया। गया है कवि ने माँ की सलाह का किस प्रकार अनुसरण किया और उसे क्या फ़ायदा पहुँचा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह से ही आपका जो कविता वाला पार्ट होता है उससे सभी प्रश्न लिए गए, देख सकते हैं चंद्र गहना से लौटती बेर के प्रश्न हैं, फिर दूसरे कविता है मेघ है, गह है यमराज की दिशा, और गह है आपका जो बच्चे काम पे जा रहे हैं उसके आधार पे, और लास्ट है कैदी और कोकला वाली कविता से। तो इन सभी प्रश्नों का आंसर मैं आपको बताऊंगा लेकिन
अगली वीडियो में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा जो तीन प्रश्न है इसमें से आपको दो प्रश्नों के आंसर देने, जैसे क्या है मेरे संघ की औरतें, यह पाठ के आधार पर आपको क्या बताना, लेखिका की माँ की व्यक्तित्व की विशेषताएँ बतानी है। क्या है आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी यही भी है या नहीं, उमा इस कथन के माध्यम से संकट की किन किन कमियों की ओर संकेत करना चाहते हैं। यह गरीब आदमी का शमशान नहीं उड़ाना चाहिए, माटी वाली पाठ के आधार पर इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये आपकी दूसरी किताब से लिए गए हैं, मैं आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा सभी प्रश्न। अब आता है सेक्शन डी यानी कि खंड गए, इसमें आपका रचनात्मक लेखन होता है, अर्थात इसमें आपका निबंध वगैरह लेटर वगैरह होते हैं। जैसे ये है आपका निबंध लिखना है आपको 200 से 250 शब्दों में, यानी कि दो पेजे में आपको निबंध लिखना है। और प्लस पॉइंट क्या है, देखिए जैसे पहला आपका टॉपिक है प्रगति की ओर बढ़ते हुए भारत के कदम, तो इसमें क्या आपको ऑप्शन मतलब पॉइंट दिए हुए हैं, आपको क्या करना है इन पॉइंटों को 6-6, 7-7, 8 लाइनों में इन्हें क्या करना है आपको एक्सप्लेन कर देना है। तो मैं बताऊंगा आपको पूरा अच्छे से एक लिख के बताऊंगा, और किस तरह से आपको, अगर आपने इस तरह से लिखा है तो आपको पूरे मार्क्स मिलने ही चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा वीर बालक पुरस्कार से सम्मानित होने पर अपने छोटे भाई को एक बधाई पत्र लिखना है, अर्थात इसमें आपको एक पत्र लिखना है अपने छोटे भाई को। अथवा में दिया हुआ है कि आपके क्षेत्र में बहुत चोरियां हो रही हैं, इसकी शिकायत का एक पत्र पुलिस अधिकारी अधीक्षक को लिखकर उचित व्यवस्था करने का अनुरोध आपको करना है, ठीक है। इसी में अगला प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, इसमें भी आपके लेटर है कि बढ़ती हुई महंगाई को लेकर सब्जी विक्रेता और एक महिला के बीच हुई बातचीत को संवाद के रूप में आपको लिखना है। वहीं डॉक्टर और मरीज के साथ हुई बातचीत को संवाद शैली में लिखना है, जैसे राम ने ये कहा, रमेश ने ये कहा, फिर राम ने ये कहा, रमेश ने ये कहा, इस तरह से आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सभी प्रश्न एक बार आप दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन पेपर को ईजिली पढ़ पाएँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो क्लास 9th का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है वो आपको फुल्ली समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पेपर जो है हमारा वो है मैथमेटिक्स का यानी कि गणित का। बेसिकली ये क्या होता है, बहुत हार्ड क्वेश्चन पेपर होता है, मतलब कि बहुत हार्ड विषय होता है सभी के लिए, अगर देखा जाए तो ये बहुत ईजी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछे गए थे, यानी कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आए थे और आपको किस तरह से आंसर लिखना चाहिए था वो सभी मैं इस वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही और भी वीडियोज़ मिलने वाले हैं। तो देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स हैं 80 और टाइम है 3 घंटे का, और कुछ सामान्य निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको इन्हें भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसमें सबसे पहले आता है आपका सेक्शन है ए यानी कि खंड क, जिसमें आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सी संख्या का अपरिमेय संख्या है, यानी कौन सी संख्या है जो एक अपरिमेय संख्या है। तो आपके 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है कौन सी है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि एक्स प्लस वन बहुपद 2x की स्क्वायर प्लस kx का गुणनखंड है तो हमें k का मान ज्ञात करना है, तो k का क्या मान हो सकता है वो आप बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, x इक्वल टू 8 का ग्राफ एक रेखा को दर्शाता है जो क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो पूरक कोणों में अनुपात 2:3 का है तो कोणों का माप क्या होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, इसमें पूछा गया है संलग्न चित्र यानी कि आपका प्रश्न है और ये चित्र दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक है वो आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है कि संलग्न चित्र में समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज AD का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप देख लीजिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चित्र में y का मान ज्ञात कीजिए यानी कि ये जो y है चित्र में इसका क्या मान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएँ 3, 4, 5, 6 सेंटीमीटर की हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9वां है, दो घनों के आयतन का अनुपात 1:27 है, उनकी भुजाओं का क्या अनुपात होगा। 10वां है, आंकड़ों 15, 5, 8, 6, 13, 4, 14 का माध्यक क्या होगा, तो इसमें माध्यक क्या होगा वो हमें बताना है, ठीक है। अब 11 से 15 पांच प्रश्न हैं आपके, ये हैं आपके रिक्त स्थान वाले, ठीक है। तो रिक्त स्थान वाले प्रश्न में सबसे पहला है, यदि संख्या 0.7 का P/Q रूप डैश है जहाँ P और Q पूर्णांक तथा
क्यू इक्वल कट 0 है, तो इसका मान हमें बताना है जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 में समीकरण 2x इक्वल टू माइनस 5 को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखने पर b का मान क्या होगा वो बताना है। 13वां है एक बिंदु जिसमें दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हों चतुर्थांश में स्थित होगा, इसी में अथवा दिया हुआ है यदि किसी बिंदु की कोटि 7 और भुजा माइनस 5 है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे। अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 14 है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि त्रिभुज ABC में कोण A कोण B है, तो भुजा BC भुजा क्या होगी रिक्त स्थान भरना है। उसके बाद आपके प्रश्न 16 से 20 को उत्तर देना है, ये आपके एक एक अंकीय प्रश्न है। ठीक है, तो इन सभी को मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार सभी, तो इन सभी प्रश्नों को आप वीडियो को पॉज करके इजीली पढ़ सकते हैं, और जो आपको देखना है किस टाइप के प्रश्न हैं तो आप वीडियो को पॉज करिए और इजीली पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर मैं पूरे क्वेश्चंस आपको पढ़ पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो आपकी अराउंड 20 से 25 मिनट की बन जाएगी। ठीक है, तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें आपको दो प्रश्न दिए गए, दोनों में से आपको कोई एक करना है, एक मार्क्स का है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी आता है, इसमें आपके दो दो मार्क्स के प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न है ए और बी का मान ज्ञात कीजिए यदि आपका समीकरण ये हो, वहीं आपको गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए संख्या ये दी गई है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको इस समीकरण को हल कर सकते हैं, इसमें एक्स वाई का मान जो भी है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 और दोस्तों ये वाला जो प्रश्न है वो हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न दोस्तों जरूर से रेडी कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है ABCD का समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB इक्वल टू DC है, यदि विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध कीजिए ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, वहीं क्वेश्चन नंबर 25 है एक घनाभ का विमाओं का अनुपात 2:3:4 है तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1872 सेंटीमीटर की स्क्वायर है, घनाभ की सभी विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो 26 है एक ठोस गोला जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तांबे का बना है, उसे पिघलाकर 8 छोटे गोले बनाए गए जिसकी त्रिज्या समान है, छोटे गोलों की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, इसी में आपका एक अथवा भी दिया हुआ है कि एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पार्श्व जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 है, बेलन की आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। उसके बाद सेक्शन सी होता है, यानी कि खंड स है आपका सेक्शन सी है, इसमें आपका क्या है 3-3 मार्क्स के प्रश्न होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 27 है वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना उचित सर्वसमिका का प्रयोग करते हुए निम्न बहुपद का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न कथनों को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए, तो इस तरह से आपके ये जो प्रश्न हैं यहाँ पे पूछे गए हैं 3-3 मार्क्स। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा 29, तो ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपका एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, तो जिस तरह से आपका क्वेश्चन जो प्रश्न आया हुआ है वो आप देख सकते हैं किस तरह से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कि सिद्ध कीजिए कि रैखिक युग्म के दोनों कोणों को समद्विभाजक परस्पर कोण समकोण बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 30 और वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम में है या इंग्लिश मीडियम में है, दोनों मीडियम में ही दिया गया है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 31 है कि चित्र में त्रिभुज PQR में QS PR PR इक्वल टू PQ तथा RT PQ है, दर्शाइए कि ये इसके बराबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, 3 मार्क्स का प्रश्न था ये भी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, इसमें आपके दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है 32 में, सॉरी मतलब इसमें आपका अथवा दिया हुआ है, दो में से ऑप्शन है, सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। अगर आपको ये वाला प्रश्न नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा, सिद्ध कीजिए। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें भी आपके दो प्रश्न हैं, दोनों में से आपको कोई एक ही करना है, आपके पास ऑप्शन है, तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको एक प्रश्न नहीं आता तो आप दूसरा भी कर सकते हैं। फिर आपका है 34 है कि कुछ आंकड़ों पर, मतलब जो प्रश्न है वो ये है कि कुछ आंकड़ों पर 1 से 80 तक की सभी संख्याएं प्रत्येक कार्ड पर एक संख्या लिखकर डिब्बे में डालकर अच्छी तरह मिलाई गई, डिब्बे से एक कार्ड जो है वो यादृच्छ निकाला गया, इस पर निम्न संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी, 10 का गुणज 15 से कम, 3 मार्क्स का ये भी प्रश्न था। अब जो आ रहा है वो 5 मार्क्स से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेक्शन हमारा डी स्टार्ट हो गया है, 4 मार्क्स के प्रश्न है। 35वां प्रश्न है सरल कीजिए,
ये जो आपका एक समीकरण दिया हुआ है, जो विभिन्न दी हुई है, उससे आपको सॉल्व करना है। अगर आपको वो नहीं आता तो आप ये वाला समीकरण सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 36 की, यदि बहुपद ए एक्स की क्यूब प्लस फोर एक्स की स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर है और एक्स की क्यूब माइनस फोर एक्स प्लस ए को ब्रैकेट एक्स माइनस थ्री से भाग दें तो समान शेषफल प्राप्त होता है, तो ए का मान क्या होगा, ठीक है। यानी कि ये जो ए है, जो हमने योग उपयोग किया है, इसका मान क्या होगा, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 37, इसमें भी आपका अथवा दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पे कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो आपको पी क्यू की लंबाई इसमें ज्ञात करनी है, ठीक है। अथवा में आपका दिया हुआ है कि चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक से बना चतुर्भुज भी चक्रीय होता है, सिद्ध कीजिए। यानी कि ये आपकी एक परिमेय है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो कोण होते हैं वो समद्विभाजकों से बना हुआ चतुर्भुज भी चक्रीय होता है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें बीसी 7 सेंटीमीटर और कोण बी होगा 75 डिग्री, ए बी प्लस ए सी होगा 13 सेंटीमीटर, तो आपके कैसे त्रिभुज की रचना करनी है। 39 है, एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई और ऊंचाई में 4:3 है, 3 का अनुपात है, इसके आधार पर क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर, शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। उसके बाद 40वां प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है हमारी इस वीडियो का, निम्न आंकड़ों के लिए बारंबारता बहुभुज बनाइए। तो अंक दिए हुए हैं, बारंबारता सारणी दी हुई है, अगर आपको वो नहीं आता तो आप ये नीचे वाला कर सकते हैं, निम्न वितरण का माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य ज्ञात करना बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो सारे प्रश्न मैंने आपको दिखा दिए, मैं सभी प्रश्न आपको एक बार दोबारा से और दिखा देता हूँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिएगा। तो दोस्तों सभी प्रश्न एक बार आपको मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके अगर इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज आपको समझना है किस तरह से करना है तो आप वीडियो को दोबारा से रिप्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि क्लास 9th का मैथमेटिक्स का यानी कि गणित का क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं ये है क्लास 9th का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर किस तरह से आया था आपको, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका जो सबसे पहला आता है सेक्शन ए होता है, जो कि आपका रीडिंग सेक्शन होता है, इसमें आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन होता है, एक होता है 8 नंबर का, एक होता है 12 मार्क्स का। तो 8 नंबर का ये आपका पहला जो पैसेज है वो यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा, तो आप इस पैसेज को इजीली वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपसे एक एक नंबर के मल्टीपल चॉइस के 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक एक नंबर के 8, इसमें से आपको टिक करना है कौन सा ठीक है और बस आपकी जो आंसर शीट है उसमें लिख देना है और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप ठीक लिखते हैं तो। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें क्या है, ये आपका 12 नंबर का पैसेज है और इसमें आपके अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये देखिए इसमें आपके 5-6 पैराग्राफ है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसमें आपके 2-2 नंबर के 4 प्रश्न हैं और किस तरह से वो आप देख सकते हैं, और उसके बाद 1-1 नंबर के 4 प्रश्न जो कि आपके मल्टीपल चॉइस वाले हैं जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मतलब जो 1-1 नंबर के 4 यहाँ पे हो गए और 2-2 नंबर के 4, इट मीन्स 8-4-12 हो गए। उसके बाद सेक्शन सी आता है हमारा ग्रामेटिकल पार्ट का, यानी कि जो हमारा ग्रामरली पार्ट होता है उसमें से 30 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें आपका देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, आर्टिकल आपको लिखना है, किस पे लिखना है, स्वच्छ भारत अभियान पे, और किस तरह से लिखना है वो भी आपको इसमें हिंट दे दिए गए कि आपको इन लाइन का उपयोग करके आप एक आर्टिकल लिख सकते हैं। तो देखा जाए तो बहुत इजी से आपसे पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। आर्टिकल नहीं लिख सकते आप तो आप एक स्टोरी लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टोरी किस तरह से वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी देखने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, आपको एक सॉरी ये स्टोरी नहीं, आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है, मेक अ डायरी ऑफ व्हाट यू सो एक्सपीरियंस देयर। तो ये बेसिकली आपकी डायरी एंट्री है, तो डायरी एंट्री में आप ये जो वर्ड्स हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 है अगला, ये 8-10 मार्क्स का है आपका। ये क्या है, इसमें आपसे पूछा गया है कि बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। कपल हैड अ पैट मैंगोस, दे हैड चाइल्ड, अच्छा
अच्छा तो हाँ, ये बेसिकली आपकी कि स्टोरी टाइप में है वैसे लिखना, वहीं अगर आपको ये नहीं आता तो आप दूसरा लिख सकते हैं कि राइट ए स्टोरी, मतलब दोनों ही स्टोरी हैं, आप ये वाली स्टोरी लिख सकते हैं आप ये, या फिर ये वाली स्टोरी लिख सकते हैं, ठीक है, इसे आगे लिख सकते हैं इसके, और ये आप बीच में यू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें क्या है, आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और कुछ वर्ड छोड़ दिए गए हैं, और उन वर्ड के स्थान पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि एक वर्ड पे 4 ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है, तो वो आपको चुन के लिखना है आंसर शीट में। आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें क्या है कि इसमें मिसिंग शब्द हैं बिफोर, मिसिंग शब्द और आफ्टर, ठीक है, तो कौन सा शब्द पहले आएगा और कौन सा शब्द मिसिंग है और मिसिंग शब्द के बाद में क्या आएगा, तो वो यहाँ पे पूछे गए हैं 4 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें क्या है, आपका जो सेंटेंसेस होते हैं उनको आगे पीछे कर दिया गया, तो आपको क्या करना है, इन सभी 4 सेंटेंस को एकदम सही लाना है कि किस तरह से आपके सेंटेंस हो सकते हैं बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें लिटरेचर यानी कि 30 मार्क्स, ये जो है आपका वो दिया गया है, पोएम भी है इसमें और इसमें आपका जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो भी हैं, तो पहली आपकी जो पोएम है वो ये है, और इसमें से आपके दो जो हैं वो आपके मल्टीपल चॉइस के प्रश्न हैं और दो हैं एक एक मार्क्स के जो कि हैं आपके फिलिंग इन द ब्लैंक्स वाले। और वहीं बात करें तो इसमें आपका एक दूसरा और भी मतलब कि ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो ये जो है वो यहाँ पे लिखा है कि व्हाट डज द ऑथर वांट टू बिकम, ठीक है, तो ऑथर क्या बनना चाहता था ये लिखा हुआ है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस दो प्रश्न और दो हैं आपके फिलिंग इन द ब्लैंक्स वाले। वहीं बात करें क्वेश्चन एंड आंसर्स की तो इसमें क्या है, आपको देखिए जो 5 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं ये आपको सारे के सारे करने हैं और ये सारे प्रश्न आपके दो दो मार्क्स के हैं, ठीक है, तो बहुत इजी है। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की तो ये जो है आपके 8-8 मार्क्स के प्रश्न हैं, इन दोनों में से आपको कोई एक प्रश्न करना है, ठीक है, तो यह आपका जो चैप्टर है द बॉन्ड ऑफ लव उससे लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो ये क्या है और ये जो है आपका अथवा में जो दिया हुआ है ये आपका जो चैप्टर है द लास्ट लीफ उससे लिया गया है, और ये वाला है आपका जो चैप्टर है आपका टूटा इन द एंड उससे लिया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और जो प्रश्न है वो आपको पता चल गए होंगे। सभी प्रश्न मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको समझ में आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से इंग्लिश का पेपर हमारा आया हुआ था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका वो है क्लास 9th का साइंस का, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के पेपर के बारे में हम जानते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपके आए हुए थे साइंस के। तो चलिए हम देखते हैं साइंस में किस तरह से आपके प्रश्न आए हुए थे। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए में 1 मार्क्स का कि सामांगी मिश्रण क्या होता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है एक व्यक्ति हाथ में सूटकेस पकड़कर खड़ा है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है, तो ये 1-1 मार्क्स के प्रश्न है। उसके बाद डायग्राम के अकॉर्डिंग आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रश्न पूछे गए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके बाद जो है वो आपसे मतलब वैसे टेबल बना के एक प्रश्न पूछा गया है ये वाला कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक है, ये आपके एक साइड है पोषक तत्व, तो एक साइड है पादप में होने वाले रोगों के लक्षण, उसके आधार पे आपको इनमें से प्रश्नों का आंसर देना है कि उस रोग के लक्षण को लिखिए जो मैग्नीशियम एवं नाइट्रोजन की कमी के कारण से होता है, ठीक है, तो मैग्नीशियम और ये वाला है, ठीक, तो आप क्या करते हैं, मतलब आप क्या करेंगे कि इस टेबल को पढ़ेंगे और इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और आपको इनके आंसर देने हैं, ठीक है, बहुत इजी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है रॉकेट डैश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है वो बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है बांध में एकत्रित जल में क्या होता है, तो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, अथवा मैं पृथ्वी की ओर स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु या पिंड की कुल ऊर्जा क्या होती है, क्या घटती है, स्थिर होती है, बढ़ती है, क्या होती है वो बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, तो ये 4 आपको ऑप्शन दिए, मतलब 4 आपके रासायनिक परिवर्तन है, इसमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वैसे आपको इसको सॉल्व करके आपको इस पर टिक लगाना है, यानी कि आपको आपकी आंसर कॉपी में लिखना है इसे। उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यहाँ पे मतलब कि कह सकते हैं ऑप्शन है, दो ऑप्शन है कि टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता इन 4 में से, और दूसरा है सल्फर और कार्बन डाई सल्फाइड का मिश्रण क्या होता है, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्वेश्चन एक बेसिकली मैथ जैसा क्वेश्चन है आपका, 12वें या 11वें चैप्टर से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही आपके और भी इसमें प्रश्न है, तो मैं आपको प्रश्न जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके इन सभी प्रश्नों को इजीली पढ़ लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों कई फ्रेंड्स जो है वो कमेंट करते हैं कि सर आपने आंसर नहीं बताया है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। अच्छा, उससे पहले ये चीज़ देखिए, ये आपका सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट हो गया है, 3-3 मार्क्स के अब यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, निम्नलिखित विलयनों के विलय एवं विलयक पहचानिए। सोडा वाटर, टिंक्चर, आयोडीन और नींबू पानी, इन सभी के आपको विलय और विलायक पहचानने हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, 17 इसी तरह से पूछा गया है। ठीक है, हाँ, तो मैं ये बता रहा था, ये सभी आप जो प्रश्न हैं वीडियो को पॉज करके इन सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिए। तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आपने आंसर नहीं बताया है। तो दोस्तों ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि आंसर मैं आपको इसलिए नहीं बताता हूं क्योंकि ये जो मेरा चैनल है बेसिकली क्लास 11th के लिए बना है, यानी कि क्लास 11th और 12th के लिए। तो इसमें मैं आपका क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करवा देता हूँ ताकि बच्चों को पता चल जाए कि पिछले ईयर का क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जिन्हें कहीं से क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है, तो मैं उनकी सहायता करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 और 23 है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 24 में है आपका डायग्राम पूछा गया है कि किस तरह से डायग्राम को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। और क्वेश्चन नंबर 25, अब इसमें क्या है, इसमें जो है आपके मतलब ग्राफ वैसे 5-5 मार्क्स जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं ये ग्राफ है आपका, इसके आधार पर आपसे ये 3 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, ए, बी और सी, इसमें किस तरह से आंसर लिखना वो बताना है। ठीक है, उसके बाद अथवा में भी आप कर सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो अथवा वाला ये प्रश्न है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए। उसके बाद 27, 26 इस तरह से एक डायग्राम आता है आपका, मतलब देखा जाए तो 3 डायग्राम आते हैं आपके। ठीक है, तो डायग्राम से संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ये वाले हैं ऊपर। ठीक है, और उसके बाद ये नीचे वैसे बच्चों के लिए हैं, और देख सकते हैं 29 में आपको एक टेबल दी गई है, उसी के आधार पे आपसे प्रश्न भी पूछे गए हैं। ठीक है, 30 है, इसमें आपको प्रत्येक का एक कारण स्पष्ट ही करना है कि अगर ये है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। ठीक है, वैसे ही तो यहाँ पे जो है वो आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो सभी प्रश्न दोस्तों मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूं, आप चाहे तो इन प्रश्नों को आज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके इन सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं कि क्लास 9th का साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो दोस्तों देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर है आपका क्लास 9th का सोशल साइंस का, यानी कि सामाजिक विज्ञान का। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से सामाजिक विज्ञान में आपके क्वेश्चन पेपर आए हुए थे एनुअल एग्जाम में। इस वीडियो में मैं आपको केवल क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ किस तरह से आपका जो एग्ज़ाम आया था। ठीक है, तो देख सकते हैं पहला प्रश्न है, फ्रांस में लुई सोलवे को फांसी क्यों दी गई थी। आपके एक एक मार्क्स के प्रश्न हैं सभी यहाँ पे, आप वीडियो को पॉज करके इन सभी प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है, आपको कॉलम दिए हुए हैं और आपके चार ऑप्शन है कि कौन सा सही आपको वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सर 1914 में रूसी साम्राज्य का शासक कौन था। फिर उसी में अथवा दिया हुआ है कि रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन किस नाम से जाने जाते थे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी की फसलें प्राकृतिक वनस्पति क्यों नहीं कही जाती। अथवा में दिया हुआ कि प्रवासी पक्षी किन्हें कहते हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं एक एक मार्क्स के बहुत प्रश्न हैं। ठीक है, तो 2021 में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, हालांकि जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो आने वाले बच्चे हैं 2021 में जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो केवल स्पेशल मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ ताकि उन्हें भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं आपको इस वीडियो में केवल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो कि आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है दोस्तों, अभी मेरे पास क्या है कि टाइम बहुत लिमिट है क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ और अभी आपका क्वेश्चन पेपर आया है मेरे हाथ में, तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना दिया जाए। ठीक है, तो बस इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। आंसर किस तरह से देखना है वो आप अपनी बुक से मैचिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है हमारा, जिसमें हमारे 3-3 मार्क्स के प्रश्न होते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। ठीक है,
तो उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 22, 23 इस तरह से ये तीन तीन मार्क्स के यहाँ पे प्रश्न जो है हमारे वो शुरू हो चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, 25 ये भी आपके तीन तीन मार्क्स के हैं, जिसमें एक बहुत प्लस पॉइंट की बात कहें तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए कि इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन में अथवा दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन दिए हुए दो क्वेश्चन में से एक करने के लिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों में आपके 5-5 प्रश्न हैं, 5-5 नंबर के प्रश्न हैं आपके, तो इन सभी प्रश्नों को आपको अराउंड 2 पेजों में लिखना होगा, तभी 2 से 1.5 पेज में तभी आपको पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिलने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पे बन सकती है। देख सकते हैं सभी प्रश्नों में आपको अथवा दिया हुआ है, कई प्रश्नों में, बहुत प्रश्नों में आपको अथवा दिया हुआ है, यानी कि ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी की बात है। उसके बाद आपकी ये यहाँ पे देख सकते हैं ये अनुच्छेद वाला प्रश्न है, यानी कि स्रोत आधारित प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, और उसके बाद जो आपके इम्पोर्टेंट जो मैप वाले प्रश्न है वो वहाँ पे शुरू हो जाते हैं, एक तो एक लैंड है, एक धुरी शक्ति, ये आपका जो वर्ल्ड वाला मैप था उसमें दिया था, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 प्रश्न हैं आपके भारत के मैप से, आपको चारों में से कोई सॉरी 6 प्रश्न हैं, 6 में से आपको कोई 4 ही आपके मैप में भरने होते थे। ठीक है, तो वो मैप तो मैं आपको अभी यहाँ पे नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि जिस बच्चे ने पेपर दिया, आपको पता है कि जब आप एग्ज़ाम देते हो तो मैप आपको भरना ही पड़ता है, यानी लगाना पड़ता है आंसर शीट के पीछे। ठीक है, तो देख सकते हैं मैप के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, इन सभी को आप रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सभी प्रश्न एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ, ताकि आप एक बार फिर से सभी प्रश्नों को रेडी कर सकें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिए हुए हैं आपके 5-5 मार्क्स के ये सभी प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं, इन सभी प्रश्नों को आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैंने समझाऊंगा तो आपकी वीडियो अराउंड 15 से 20 मिनट की बन जाएगी। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो अराउंड 6 से 7 मिनट से ज़्यादा की बने, क्योंकि केवल मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, और इस तरह से आपके यहाँ पे जो मल्टीपल चॉइस एक एक मार्क्स के जो प्रश्न है वो फिर से यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये जो आपका सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है वो आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमारे सभी क्वेश्चन पेपर की जो वीडियो है वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी वो मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दी है, और मैं आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन पेपर आपने अच्छे से समझे होंगे, ध्यान दिया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन आए हुए थे। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको बहुत कम या यूँ कहूँ कि आपको देखने को ही नहीं मिलेगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, समझने के लिए मिल रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो दिल से पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एक पारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।